बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। आबकारी के नाक के नीचे ये काम चल रहा है। अवैध शराब का परिवहन डोर टू डोर पहुंचा जा रहा है। अवैध शराब लाइसेंसी शराब दुकानों से बड़ी मात्रा में शराब बोरे में भरकर दो पहिया वाहन से गांव गांव पहुंचाई जा रही है। शराब गांव गांव में परोसी जा रही है। शराब अधिकारियों को लापरवाही का जो है ये लोग उनकी लापरवाही का फायदा उठा रहे हैं और शराब माफिया जो है दिन पर दिन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब शराब माफिया लाइसेंसी दुकानों से शराब दोपहिया वाहन से गांव गांव तक सप्लाई कर रहे हैं और भोले भाले ग्रामीणों को शराब की लत लगा रहे हैं, जिससे नशाखोरी बढ़ रही है, जिससे शराब के नशे के कारण जो है शहर में आए दिन बड़ी बड़ी लूटपाट भी देखने को मिल रही है। चूंकि ग्रामीणों को शराब की लत लगने के बाद नशे के हालात में लोग अपराध भी कर बैठते हैं और इसका मुख्य कारण है शराबखोरी। गांव गांव तक शराब पहुंचाकर जो है ग्रामीण युवाओं को नशे की लत लगा रहे हैं। अच्छा, किसी ने नहीं रोका? तुम काहे के लिए रुके थे यहाँ? यहाँ सामान लेने। सामान लेने? माल कहाँ से लाके आ रहे? अपने संजीव भाई बड़ी एकदम पर से। अच्छा, शाहपुर की दुकान से? हाँ, कहाँ लेके जा रहे? क्या नाम तुम्हारा? रूप जी। पिता का नाम? मांझिरिया। सरनेम बालेर और भीलाला? भीलाला। घर पे बेचते हो? अच्छा, कलाली से लेके आए? चलो ठीक है, घर लेके जा रहे थे। शराब एक ऐसा विषय है जिस पर पूरे मध्य प्रदेश की जनता और महिलाएं एक मत थे कि एक भी व्यक्ति को शराब नहीं पीना चाहिए को अपना काम ठीक से करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी गलती जनप्रतिनिधियों की, विधायकों की, नगर पालिका अध्यक्षों की और जो जनप्रतिनिधिगण है जिला पंचायत अध्यक्षों की, कि उनको कोई चीज़ आपत्तिजनक लगती है तो तुरंत सरकार को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि सरकार हर जगह पर पहुँच नहीं सकती है। ये कहीं ना कहीं बीच में एक संवादहीनता का गैप है जिसका ये परिणाम